हाजिर हूं, मैं हूं मनीष अवस्थी। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ नीति या कानून बनाना ही नहीं बल्कि उसे जनता को भरोसे में लेकर शांति पूर्वक लागू कराना भी होती है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कुछ तबकों में असमंजस और भारी विरोध है। बीच सरकार, मंत्री और नेता जैसे बयान दे रहे हैं वो हैरान करता है। रेल राज्य मंत्री सुरेश आंगड़ी ने कह दिया कि प्रदर्शनकारियों को देखते गोली मार दो, तो बीजेपी के नेता अनंत हेगड़े ने कह दिया कि गद्दारों को कूड़े में फेंक दिया जाएगा। उनकी नजर में कौन गद्दार है ये वही जाने, मगर मेघालय के राज्यपाल की नजर में विरोध करने वालों को उत्तर कोरिया चले जाना चाहिए। ऐसे बयान अफवाहों से खौफजदा मुसलमानों का डर और बढ़ाते हैं। और कोई सवाल भी खड़े होते हैं तो सवाल ये है कि सीएए पर संवाद के बजाय सख्त बयान क्यों दे रहे हैं? जनता गुस्सा दिखाएगी तो क्या पुलिस गोली चलाएगी? नागरिकता पर हर सवाल का जवाब क्या डंडे से मिलेगा? नागरिकता पर सवाल पूछने वाले गद्दार आखिर कैसे हो सकते हैं? मुसलमानों का अविश्वास सरकार की नाकामी है। आज इन्हीं सवालों पर बहस होगी, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो अभी की जरूरत न करती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर। सीएए पर सरकार के सख्त रुख से बना डर का माहौल। बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के बयानों ने भी बढ़ाया डर। मुसलमानों का भरोसा जीतने की कोशिश रही बेअसर। कि नागरिकता संशोधन कानून से भारत के एक भी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, किसी की भी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। एक बार नहीं, पीएम मोदी बार बार यही बात कह रहे हैं। नागरिकता कानून का विरोध करने वालों को समझा रहे हैं। देश के मुसलमानों से किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील कर रहे हैं। फिर भी सीएए और एनआरसी को लेकर मुस्लिम समाज के अंदर फैली अफवाह से पैदा खौफ खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद पब्लिक को सिर्फ इसी की परेशानी है जो पब्लिक भरम में चल रही है कि 7 साल का बिल लाओ, माँ बाप का लाओ, वो लाओ, उसमें लोग परेशान है। जब मोदी जी कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होना, इंसान मुसलमान इंसान में रहेगा, सही है ना? हाँ रहेगा, मालूम है। और इनको हमारा, हम रहेंगे इसके अंदर, मगर अपने मुंह से एक बार ये भी कह दो, मुझे किसी के जानकारी है, बिल वापसी ले, नागरिकता दे। अब मुसलमान कहाँ से इतनी नागरिकता लाए? जो यहाँ का नागरिक है, पैदा हुआ तो यहीं का नागरिक है, वो बिल। इन बयानों से साफ है कि ज्यादातर लोगों तक कानून की सही जानकारी पहुंची ही नहीं, लिहाजा इन्हें शरणार्थियों को नागरिकता मिलने की जगह अपनी नागरिकता जाने का डर सताने लगा है। और उसके विरोध में प्रदर्शन करने पर इन्हें मंत्री सुरेश आंगड़ी जैसे इन बयानों से साफ है कि ज्यादातर लोगों तक कानून की सही जानकारी पहुंची ही नहीं, लिहाजा इन्हें शरणार्थियों को नागरिकता मिलने की जगह अपनी नागरिकता जाने का डर सताने लगा है। और उसके विरोध में प्रदर्शन करने पर इन्हें मंत्री सुरेश आंगड़ी जैसे नेताओं का बयान और डरा देता है। And our railway authorities, if anybody destroys the public property, including railway, I direct as a minister shoot them at sight. प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े का बयान भी आग में घी डालने जैसा है। हेगड़े ने ट्विटर पर लिखा, अगर सीएए एनआरसी के लिए मोदी शाह की जोड़ी न होती तो देश आपे से बाहर हो गया होता। हमारा देश फर्जी और भाड़े के विरोधियों की पहचान करने में सक्षम है और बहुत जल्दी गद्दार इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। मुसलमानों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के स्थानीय लोग भी कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इन्हें समझाने की जगह मेघालय के राज्यपाल ने विरोध करने पर उत्तर कोरिया जाने की सलाह दे डाली। राज्यपाल तथागत रॉय ने कहा, विवाद के वर्तमान माहौल में दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला ये कि देश को कभी धर्म के नाम पर विभाजित किया गया था। दूसरा ये कि लोकतंत्र अनिवार्य रूप से विभाजनकारी है। अगर आप इसे नहीं चाहते तो उत्तर कोरिया चले जाइए।
ऐसे बयानों और तमाम विरोध के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि कानून से किसी नागरिक का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता तो देकर रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको जो राजनीतिक विरोध करना है करो, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार फर्म है, इस सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, वो भारत के नागरिक बनेंगे और सम्मान के साथ दुनिया के अंदर। ऐसे बयानों से शरणार्थियों का उत्साह तो बढ़ जाता है, मगर मुसलमानों में भरोसा क्यों नहीं बढ़ता? क्या इसीलिए कि घुसपैठियों को भगाने के लिए भी अमित शाह की प्रतिबद्धता बनी हुई है? मैं पुनः स्पष्ट कर देता हूं कि एनआरसी से किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता, और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार विशेष व्यवस्था करेगी, क्योंकि विपक्ष ने उनमें भय फैलाया है, मगर जो घुसपैठिए हैं वो कोई भी हों, उनको देश से जाना ही होगा। नीतियों को लेकर किसी भी सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, मगर उसे लागू करने से पहले जनता को भरोसे में लेना भी सरकार का काम है। ये काम नीतियों और योजनाओं के व्यापक प्रचार, जागरूकता अभियान, आशंकित तबके से संवाद और कई दूसरे तरीकों से किया जाता है। सवाल है कि क्या सरकार से CAA के मुद्दे पर यही चूक हो गई, जिससे लोगों को न तो कानून ठीक से समझ आ रहा है, न उस पर भरोसा हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, आपने हमारी रिपोर्ट देखी। नागरिकता कानून बिल को लेकर, जी हां, मुसलमानों के मन की बात। आज देश का सवाल में मैं ये कोशिश करूंगा कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, क्यों धधक रहा है दिल्ली का दिल। और जी हां, इसके साथ साथ ये कोशिश भी होगी कि आज जितने मेहमान बैठेंगे उनमें आपस में एक राय बने कि जो अफवाह फैलाई जा रही है, जो डर फैलाया जा रहा है, क्या वो उसके पीछे सियासत है, और अगर सियासत है तो मैं कोशिश भी करूंगा कि आज उनके चेहरे भी बेनकाब हो। हालांकि आपने रिपोर्ट में देखा वो सारी बातें समझने की, समझाने की हमने कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जरूरी है कि दोनों पक्ष आपस में बैठें और आखिर एक मशवरे पर पहुंचे, एक राय पर पहुंचे कि जो बाहर हो रहा है वो केवल और केवल सियासत है। जी हां, मोदी सरकार टू जब आई, आपका साथ आपका विश्वास, तो आखिर क्यों फैला है अविश्वास? जी हां, नागरिकता बिल पर है बवाल, इसलिए है देश का सवाल। देश का सवाल में मेरे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल है। अभी आप जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मेहमानों को देख रहे हैं, इससे ज्यादा और मेहमान अभी जुड़ेंगे। जी हां, लेकिन जरूरी यह है, मैं सारे मेहमानों को, आप लोगों को यह इल्तजा करता हूं, यह बताना चाहता हूं, यहां आपको बोलने के लिए बुलाया गया है। इस मंच को आप उकसाने, डराने और भड़काने का मंच ना बनाए। इसके साथ साथ ये मर्यादा रखें आप कि यहां किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना हो, बेखौफ होकर बोलिए, लेकिन अपनी मर्यादा और सीमाओं में रहते हुए। जी हां, तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी यासिर जिलानी साहब, आप RSS मुस्लिम मंच के हैं और आप बेबाकी से वो सारी राय और बात रखते हैं जो संघ सोचता है। संघ के नजरिए में अल्पसंख्यकों की क्या परिभाषा है, आज आप बताएंगे। और यासिर साहब, आज आपको यह भी कोशिश करनी होगी कि जो भ्रम फैला हुआ है, जो डर है, जो संदेह है, उसको आज आप दूर करने की कोशिश करेंगे। जी हां, मेरे साथ हाजिक खान साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये भारत देश एक मजबूत देश है और यहां पर देने की बात हुई है नागरिकता बिल में, लेने की नहीं, नागरिकता देने की बात है, छीनने की नहीं। मेरे साथ अनीस मलिक साहब, जी आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं। मेहरुद्दीन रंगराज साहब, आप भी हमारे साथ हैं, आप बताएंगे कि आखिर ये किस तरह का विरोध है, क्या इसके पीछे किसी की साजिश है। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर और हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह। अनिला सिंह जी, आज आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी हां, जिम्मेदारी ये कि दिल्ली धधक रही है, पूर्वोत्तर की आग दिल्ली आ गई है, तो ये आग आखिर कब बुझेगी, कौन रोकेगा? अनिला जी, सबसे पहला सवाल आपसे, सबसे पहला सवाल ये, प्रियंका गांधी ने कह दिया प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं या बंटवारे के? अनिला जी, अनिला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यासिर साहब,
अनिला जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी खामी है, हमारा पीसीआर उसे ठीक कर रहा है। आपसे वही सवाल, प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं या बंटवारे के, ये प्रियंका गांधी कह रहे हैं। देखिए मुझे हैरानी होती है प्रियंका गांधी जैसे लीडर पे, जो अपोजिशन की जिम्मेदारी है वो निभाने के बजाय वो प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष कर रही है। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करके वो अपनी जो उपस्थिति है जो बिल्कुल जीरो हो चुकी है अभी भारत में कांग्रेस की, वो उसे दर्ज कराने की कोशिश कर रही है, जो होगी नहीं। भारत के प्रधानमंत्री ने जो मैसेज लगातार आप पिछले दो दिन से देखिए, जो माइनॉरिटीज को लेकर और खास करके अल्पसंख्यक वर्ग के मुसलमानों को लेकर उन्होंने जो बात कही है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अफवाहों पे ध्यान नहीं दें, ये भारत आपका है, ये मुल्क आपका है। तो मुझे लगता है कि जब देश का वजीर आजम इस तरीके से आगे बढ़ के आपको गले लगाने की बात करता है जो पिछले 6 साल से कर रहा है, तो मुसलमानों को किसी ऐसे लीडर के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए जो उनको वरगला रहे हैं, उनके अंदर उन्माद फैला रहे हैं, उनमें डर डाल रहे हैं कि आपको भारत से बाहर भेज दिया जाएगा। आप तो जानते हैं, आप हमारे दस्तूर, हमारे आईन जिसको संविधान कहते हैं उस पे यकीन करने वाले भारत के लोग हैं, और जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, मनीष जी एक 10 सेकंड, जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग के साथ में बात कहना चाहूंगा। आप तो बीजेपी तो संविधान जलाने की बात करती है, उनके एक एमपी ने कहा था संविधान को खत्म कर देना चाहिए। देखिए संविधान बाबा साहब को ये बिल्कुल मानते नहीं, बाबा साहब की कोई बात नहीं, कोई सहमति नहीं है। मुझे नहीं मालूम कहां से लेके आए हैं, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और आप सदनन बोर्ड है कि वजीर आप ही कहती है उसने संविधान को जला दिया जाना चाहिए। उन्होंने भी आज और कल, आज का उनका ट्विटर अगर आप देखेंगे, ये जो देश है ये संविधान से ही ये चल रहा है और देश का कानून से नहीं है ना कि किसी से। मैं प्रियंका गांधी का बिल्कुल समर्थन करता हूँ, मैं आपसे प्रियंका ने बिल्कुल सही बात कही, मोदी नहीं बांटने की राजनीति कर रहे हैं, और वो बांटने की जब से 6 साल से आए बांटने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने हिंदू अलग काले में कर दिया, मुस्लिम अलग काले में कर दिया। आज कोशिश ये है कि आज हमारे जितने देश के अल्पसंख्यक हैं उनके मन में जो डर है वो डर है, डर पैदा किया जा रहा है या कोई डरा रहा है, उसको आप साफ करने का मंच बने। इस मंच से कांग्रेस साहब, मेरी आपसे इल्तिजा है, एक छोटी सी गुजारिश है, इस गुजारिश को समझिए, ये देश अमन चैन का है, विकास की एक नई तस्वीर बिठाना चाहते हैं, पत्थर पर लिखी भारत है, भारत एक शक्ति है। अनिला जी, अनिला जी, संविधान के खिलाफ बिल है, इसका विरोध करते हैं। मेहरुद्दीन जी, अभी हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ दिलदार बेग साहब भी जुड़ चुके हैं और मोहम्मद बिलाल साहब भी स्टूडियो में। अनिला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिला जी, कैन यू हियर मी? कैन आई फिनिश माई? जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसमें मेरा एक सप्लीमेंट भी है। जी, जी, मेरा आपसे ये सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अलग अलग जगह ये कह रहे हैं, चुनावी रैलियों में कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं। बीजेपी में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मुसलमान नेता हैं। जी जी, किसने तकरीर दी, किसने मस्जिदों में जाकर मुसलमानों को साथ लेकर मौलानाओं के साथ बैठक करने की कोशिश की कि इस तरह का कानून आ रहा है? आप लोग ये कोशिश करें कि ऐसी कोई भावना ना पैदा हो, संदेह पैदा ना हो, जो डराने की कोशिश करें उनको आप रोकिएगा। ऐसी कोई कोशिश और पहल क्यों नहीं हुई? मैं बीजेपी के दो लीडर्स को जानता हूं, बहुत नजदीक से जानता हूं, उन लोगों ने लगातार पिछले एक हफ्ते से, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी साहब हो, मुख्तार अब्बास नकवी साहब हो या शाहनवाज हुसैन साहब हो, अरे आप या तो बात सुनिए मेरी, उन्होंने तमाम, उनके आप मीडिया के बाइट्स देखिए, उन्होंने अपील करी है। शाहनवाज साहब ने तो यहां तक आगे बढ़ के कहा है कि भारत के जो भूमिपुत्र मुसलमान हैं, जिन्होंने 1947 में जिन्ना के टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके भारत में रहे, उनके अगर आपको लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेना है तो आप उनके बीच जाकर बात करेंगे। मैं पिछले 24 घंटे से आ रहा हूं, पिछले 24 घंटे से जामिया कैंपस में था, मैंने
भारतीय जनता पार्टी के दो नेता जो दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं मनोज तिवारी और विजय गोयल साहब को पूरे जो एहतजाज चल रहा था जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस दौरान वो 5 से 7 घंटे वहां रहे। जो हाजिक साहब मेहरुद्दीन साहब आ रहा हूं आपके पास अनिल जी भी हाजिक साहब देखिए जब ये देश आजाद हुआ इस देश का संविधान बनाने के लिए जो 300 आदमी की कमेटी बनाई गई उस कमेटी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस कमेटी के प्रेसिडेंट थे सदर थे। इस संविधान को बनाने वाले निर्माता सारे के सारे पढ़े लिखे थे बैरिस्टर थे। उन्होंने एक संविधान सेकुलर संविधान बनाया था जिसके अंदर धारा 14 और धारा 21 तय की थी कि भारत में रहने वाले सारे हिंदुस्तानी इक्वल हैं कोई एक दूसरे पे बढ़ोतरी नहीं है। भारत का संविधान यह है कि यहाँ रहने वाला नागरिक हिंदुस्तानी है लेकिन आप ऐसा संविधान लाना चाहते हैं कि बाबा साहब राय अम्बेडकर के गांधी जी के संविधान का कत्ल करके आप एक नया संविधान लिखना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं विरोध इस बात का हो रहा है ये लिखना चाहते हैं आप कि आपने पढ़ा है हम ये पूछना चाहते हैं आपसे आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट से हम प्रेसिडेंट से आपके प्रधानमंत्री पाकिस्तान बिरयानी खा के इस बात को तय करके आए थे कि वो पाकिस्तान हिंदू मुक्त बनाएंगे बांग्लादेश हिंदू मुक्त बनाएंगे। तकनीकी तौर पर जो खराबी थी बीजेपी की प्रवक्ता फिर जुड़ चुकी है एक बार अनिला जी आवाज आ रही है आपको जी आ रही अनिला जी आपका स्वागत है लेकिन बहस आप जानती हैं कि आज बहस किस मुद्दे पर है और ऐसे मुद्दे पर है जहां पर आज सबसे बड़ी भूमिका आप ही की दिखाई देती है कि वो संदेह दूर करना है वो भ्रम दूर करना है कि आखिर सरकार जिस लाठी से इस बिल को लेकर हाँक रही है क्या उससे देश में अमन चैन बना रहेगा। देखिए ये जब सीएबी जब सीएए में तब्दील हुआ तो दो बात तो सिद्ध हो गई। एक बात यह सिद्ध हो गई जब पार्लियामेंट में लगातार बहस हुई अनिला जी आपका जवाब मैं एक 10 सेकंड का जवाब दूंगा। मैं दर्शकों से माफी चाहूंगा कि तकनीकी खराबी के कारण आप बीजेपी की प्रवक्ता को नहीं सुन पा रहे हैं। यासिर साहब मैं आपके पास आता हूं क्योंकि मेहमान 10 सेकंड देखिए अभी आज ही जो दिल्ली के शाही इमाम है जामा मस्जिद के उनका बयान भी मुसलमानों को देखना चाहिए। उन्होंने क्लियर कहा है कि सीएए से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है इससे डरे नहीं उसको जानने की कोशिश करें उसको पढ़ने की कोशिश करें। अभी उनको संविधान मालूम नहीं है मैं इनको क्या बोलूं बताइए। मैं जो बात कह रहा हूं वो मैं इमाम बुखारी साहब मुसलमान कर रहे हैं एक अनीस जी आप लोग सब विद्वान लोग हैं और मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों के मन में क्या है आप लोगों का बोला कहा और जो दर्शक देखेगा सुनेगा उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है तो आप एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है कि ये सार्थक बहस होगी। यासिर जी आपने अपनी बात पूरी की हाजिक साहब देखिए इमाम बुखारी साहब पे बोलिएगा उन्होंने आज कहा है इमाम बुखारी साहब ने जो कहा है बिल्कुल कहा है कि देश का माहौल अच्छा रहना चाहिए। हम भी कहेंगे देश के लोगों से कि आप अगर किसी प्रदर्शन करना चाहते हैं विरोध करना चाहते हैं किसी बिल का तो विरोध कीजिए लेकिन शांति पूरे तरीके से किसी को डैमेज नहीं करना बस नहीं जलाना ये हम भी संदेश देना चाहेंगे। लेकिन इस पर विचार इस बात पर करना चाहिए सरकार को कि इस देश में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनको अलग करके एक नई पहल करी कि 6 मजहब के लोग उसमें शरीक हैं एक नहीं क्यों नहीं भाई हमारे भारत दुनिया का दुनिया का संविधान ये इंसानियत का संविधान मानवता का संविधान ये है कि एक औरत उसके पेट में बच्चा है वो एक एरोप्लेन से उड़ रही है और उड़ते उड़ते उसके हवा में बच्चा भाई हमारे भारत दुनिया का दुनिया का संविधान ये इंसानियत का संविधान मानवता का संविधान ये है कि एक औरत उसके पेट में बच्चा है वो एक एरोप्लेन से उड़ रही है और उड़ते उड़ते उसके हवा में बच्चा पैदा होता है तो 3 मुल्क नागरिक नंबर एक उस मुल्क का जिस मुल्क का रहने वाला ये वो पड़ोसी मुल्क कभी नहीं सोचे पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान में जुल्मों सितम ढाए जा रहे थे क्या उनको मानवता नहीं है जुल्मों सितम वहां पे सियाओं पे भी हो रहे हैं वहां पे वहाबियों पे भी हो रहे हैं आप उन्हें भी नागरिकता नहीं दे रहे आपने मुसलमान का नाम तक क्यों किया मुझे इस पर जवाब चाहिए जी। मेहरुद्दीन जी जवाब मिलेगा अनिला सिंह जी फिर जुड़ चुकी है
अनिला जी, आप यहां पर मौजूद मेहमानों को सुन रही हैं, आप कुछ कहना चाह रही थी। जी, पहली बात तो ये है कि मैं एक इनकी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। जो ये अभी उदाहरण दे रहे थे कि एक हवाई जहाज में एक प्रेग्नेंट महिला ट्रेवल कर रही है और डिलीवरी हो जाती है तो उस बच्चे का सिटीजनशिप क्राइसिस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नए कानून आ गए हैं, जानकारी को दुरुस्त कर फिर बैठा करिए, सही उदाहरण दिया करिए। देखिए मनीष जी, फोन कटा था उससे पहले मैं एक बात कह रही थी कि सीएए बना है उस दौरान एक चीज तो दो चीज सिद्ध हो गई। एक तो लगातार पार्लियामेंट में खूब डिबेट हुई है, वहां जनप्रतिनिधि बैठते हैं, पूरे देश के जनप्रतिनिधि बैठते हैं जो वहां के अपने आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। खूब बहस होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हुआ और एक्ट बना। आपका बहुमत है उसमें, इसलिए दो चीज क्या सिद्ध हो गई? ऐसा राजनीतिक दल जो सबसे पुराना राजनीतिक दल है हमारे देश, अगर विश्वास हो जाता है तो मतलब वो सही हो गया, वो संविधान के अनुसार सही हो गया। सभी लोगों ने विरोध किया संसद में, स्टूडेंट के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ, मतलब ये सब लोग गलत है। आप लोकसभा में जो बहस हुई, आपकी आपका पूरा वहां पे पूरा समर्थन है, आपके 305 विधायक वहां है, आपने वहां पे भी एमपी और वहां पे राज्यसभा भी आपने बिल पास करा लिया आपकी मेजोरिटी के कारण, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि आप सही होंगे। मेहरुद्दीन साहब, एक चीज बताइए, आखिर इस बिल में आपने पढ़ा लिखा समझा, लेकिन आप अपने कौम को नहीं पा रहे हैं। बता रखे तो मानिए, आप यहाँ पर कहाँ लिखा है कि भारत से जुड़ी हुई हूँ तो इतनी तो इन लोगों में कर्तव्य होनी चाहिए कि मुझे बोलने दें। मुसलमान कभी किसी से नहीं डरता, नहीं तो नागरिकता छीनी जाएगी, ये कहाँ लिखा है जी? नागरिकता छीनी जाएगी या नागरिकता पर खतरा है, ये कहाँ लिखा है? देखो जी, मैं सीएबी और एनआरसी, मैं इन दोनों को एक ही मानता हूँ जी। और सबसे बड़ी बात तो यह है, सीएए के खिलाफ मैं इसलिए खिलाफ हूँ कि ये संविधान के खिलाफ है। मोहम्मद बिलाल, देखिए मैं अदब के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत की तहजीब है वो गंगा जमुनी तहजीब है, और गंगा जमुनी तहजीब में सभी का योगदान है। और जो सीएबी और एनआरसी, सबसे पहले तालीम की रोशनी से कई तरह की चीजें को खुलासा होता है, हमें ये जानना चाहिए कि वो वस्तु स्थिति क्या है। ये मुल्क सबका है और मेरा ताल्लुक भाईचारा मिशन से है, और मैं बता दूं सम्मानित चैनल के माध्यम से पूरे मुल्क को कि एक मस्जिद ऐसी है जिसमें पिछले 40 सालों से सभी धर्मों के लोगों का जोड़ होता है, जहां से अमन मोहब्बत और शहीदों के सपनों का भारत बने, ये पैगाम में मोहब्बत फैल रहा है। तो आज सरकार की, मैं संविधान की रोशनी में कहना चाहता हूं कि हमारा संविधान, जिसकी बदौलत ये सरकार बनी है, संविधान कतई इजाजत भेदभाव की नहीं देता, और हमें ना डर है। अगर मुसलमान डरता है तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से। बिलाल जी एक मिनट, अनिस जी ये बताइए, आपको डर नहीं लगता, लेकिन ये डर कोई फैला रहा है। यासिर जिलानी भी यहां बैठे हैं, ये भी मुसलमान है, इनको कोई डर नहीं लगता, इनको ये भी डर नहीं है, ये भी खतरा नहीं है इनकी नागरिकता पर कोई खतरा? मुसलमानों को डर नहीं लगता, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, इसी के बाद तो हिंदुस्तान थोड़ी है। 1947 की लड़ाई में हर मुसलमान ने आपने कोई भाषण सुना है क्या? आपने ये जो अभी लाइन कही, क्या लाइन कही? हालात पर बोला मैं, नहीं आपने क्या लाइन कही, आपने क्या लाइन कही? अनिस साहब एक बार वो लाइन आप कहिए जो आपने कहा, ये मैंने कहीं सुना था, व्हाट्सएप पर बहुत चल रहा है। ये हिंदुस्तान किसका है? ये दिल्ली के किसी नेता ने? हालात देखिए ना, हालात कैसे हो रहे हैं, इस मुद्दे को सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है, और जो प्रोटेस्ट बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से स्टूडेंट्स ने किया, लोगों के कहने पे अफवाहों पे अगर आप काम करेंगे तो ये तो हालात ऐसे। स्टूडेंट्स जब प्रदर्शन कर रहे थे उनमें कुछ ऐसे लोग घुस गए जिसकी वजह से प्रदर्शन खराब हुआ, माहौल बिगड़ा, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मेरे सवाल इनसे, नहीं आपने चिन्हित नहीं किया, इसका जवाब हम आप ही लोगों से लेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ, एक ब्रेक के बाद फिर से देश का सवाल जारी है, इंतजार करिए, कहीं मत जाइए, ये बहस जारी है। देश के लोग लगातार मुसलमानों से संवाद कर रहे हैं, लेकिन सरकार मुसलमानों से संवाद क्यों नहीं कर रही? आज भोपाल में दिग्विजय सिंह ने मुस्लिमों के बीच क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। विश्वास की बात करते हो, हजारों लोगों के पुण्य उजाड़ किया, हजारों लोगों को तुमने
निर्दोषताओं को तुमने मार डाला। गुजरात के दंगों के पीड़ित लोगों को आज तक बसाया नहीं, और तुम कहते हो हिंदुस्तान के मुसलमानों डरो मत, मुझे भरोसा मन करेगा बोले। आखिर हम जो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इस बहस में, देश का सवाल में, आखिर ऐसे नेता कौन हैं जिनके कहने पर जनता भड़क जाती है। उकसाने वाले बातें करते हैं वो नेता, आखिर सियासत के लिए, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, क्या ये वजह तो नहीं? इसी बात को लेकर देश का सवाल आज चल रहा है। मेरे साथ जब ब्रेक पर मैं था तो हमारे एक मेहमान हैं। जी हाँ, हमारा नारा भाईचारा मिशन। जी हाँ, ऐसे दिलदार हुसैन बेग साहब भी है। दिलदार साहब, दिल खोल के बोलिए और ईमानदारी से बोलिए कि क्या किसी साजिश के तहत कौम के तमाम युवाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है? हमारा नारा भाईचारा। सीएबी के ऊपर जो संकट या जिस तरीके के जो बादल छाए हुए हैं, जो मामलात हैं, उसको देखते हुए हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें नीयत साफ नहीं है। नीयत साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता लगेगा कि मुसलमान कम पढ़ा लिखा है और 50 साल दौरे हुकूमत में जिस सरकार का शासन रहा उसने कभी नहीं चाहा कि मुसलमान पढ़ लिख कर आगे बढ़े। अगर आज मुसलमान पढ़ लिख कर आगे बढ़ा होता तो वो ऐसे नहीं ऐसे करने वाला होता। हमें सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है और हम चाहते हैं कि अवेयरनेस हमें पढ़ लिख करके पढ़ाई के जरिए से उस बात को पता लगे कि इस अमेंडमेंट में क्या चीज है। मुसलमान सिर्फ सियासत का वोट बैंक। देखिए, पिछले 70 साल से मुसलमानों के साथ सियासत किसी की भी हो, मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कर रहा, किसी 70 साल से हुक्मरानी हिंदुस्तान में हो रही है। हिंदुस्तान में मुसलमान जब आजादी के बाद आबाद लगी तो सरदार पटेल, पंडित नेहरू की बात पर हिंदुस्तान और गांधी जी की बात पर, बाबा साहब अम्बेडकर की बात पर हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हिंदुस्तान में रहे, और जिन्हें पाकिस्तान था वो जाना था वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का है, था, रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आई, एनडीए की सरकार पिछली बार 6.5 साल रही और अब जो है पिछले 6 सालों से है, लेकिन जिस दिन से आए हैं शेर का देश का, इस देश का हाल ये हो गया, चाहे वो दिल्ली जल रहा हो या आसाम जल रहा हो या हरियाणा या गुजरात या चंडीगढ़, के हाथ से इतने ज्यादा है वो अपने भूल से छप के भी अखबार निकल सकते हैं, और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं। मेरे आंसू तेरी आंखों से इतना संजीदा मैटर चल रहा है, शेरशायरी कर रहे हैं मुसलमानों को, एक साथ मुसलमान भी सवाल करने दीजिए, मेरी थोड़ी आवाज बैठी हुई है, सवाल करने दीजिए। सरकार को आगे बढ़कर समझाना चाहिए था कि ये तुम्हारे हक में है या गलत है। सरकार जिम्मेदार, प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे भाई आज कहा था, आज बढ़ कहा है, पहले दिन से कहा है कि जो कैब है वो सिर्फ 3 इस्लामिक देशों से आए हुए लोगों को, आए हुए लोगों को जो प्रताड़ित है उनका उनको इंक्लूड किया। आप लोग पहले ये भ्रम साफ करिए, जिलानी साहब, जिलानी साहब आपको जो सफाई देनी है, आपको जो गलत फहमी दूर करनी है वो ये कि ये मुसलमानों को लेकर आप ये बताइए कि सीमा पार के मुसलमानों की बात हो रही है। बिल्कुल, देखिए उन्हें आप क्या समझते हैं हाफिज सईद को यहाँ बुला लिया जाए? हम ये कह रहे हैं श्रीलंका में मुसलमान है, एक मिनट, बर्मा में मुसलमान है, नेपाल में मुसलमान है, अगर वो आएगा तो आप ये भेदभाव नहीं करिए। आप ये करिए कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है कि हजारों साल से इस मुल्क में जो भी लोग आया उस मुल्क ने हमेशा उसको समाया अपने अंदर। ये मुल्क अमन की संस्कृति है, देखिए बीच हमारे बीच एक और मेहमान आ गए, सिराज साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेहरुद्दीन साहब, आ रहा हूँ आपके पास। सिराज साहब, आपको पता है किस मुद्दे पर चर्चा और बहस हो रही है? कौन है जो बांट रहा? देखिए, इस वक्त मीडिया और हुकूमत ये दोनों मिलकर पूरी तरीके से मुद्दे को हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं।
एनआरसी और सीएबी के साथ मीडिया कहां से बांट दिया। देखिए अगर सड़कों पे उपद्रवी उतरे हुए हैं तो वो दिखाना अपराध है। नहीं, अगर आप एक ही पक्ष एक ही सिक्के का, अरे यहाँ दोनों पक्ष बैठे हैं, अगर कोई भी मीडिया दोनों पक्ष लेकर बैठता है, मीडिया नहीं। लेकिन जब आप जामिया की बात कर रहे हैं, जब आप जामिया की बात कर रहे हैं, जब आप जाफराबाद की बात कर रहे हैं, तो जाफराबाद में आप भीड़ तो दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस के जरिए जो दुकान तोड़ी गई है, जो पत्थरबाजी हुई है, उसे आप नहीं दिखा रहे हैं। यूनिवर्सिटी पे बहस करेंगे तो मुझे लगता है इंसाफ मुद्दे से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहस आप करते हैं। खेल और बता दूं मैं आपको, हम हकीकत, अरे आप नहीं करते ना, हम जमीन में जाकर यूनिवर्सिटी का और वीडियो बता दूं, अगर भी दिल्ली के दिल्ली के डिप्टी सी है और हमने जाफराबाद के लिए हालात देख लिया है, एक झूठा वीडियो, एक झूठा वीडियो डालने की बात आप करते हैं, झूठा वीडियो डाला, झूठा साबित हो गया, साबित हो गया यार, साबित हो गया, तो साबित हो गया। अब आप लश्कर भी तुम्हारी है, लश्कर भी तुम्हारी है, सरकार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, तुम जिस तरह से चाहो ये तो आपका अपना मसला है। लेकिन शिराज साहब सियासत के लिए सियासत वाले क्या करते हैं इस पर हम सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं, लेकिन हम आपको शिद्दत से कहते हैं कि हम जो कहते हैं, जो दिखाते हैं, उसमें ईमानदारी है, उसमें निष्पक्षता है, किसी बगैर भेदभाव के इस मंच पर आप भी बैठे हैं, यहां पर बात बगैर किसी दबाव और भेदभाव के करने के लिए आपको बुलाया गया है। आप बताइए, आप यहाँ आए, आपसे किसी ने कहा क्या कहना है क्या नहीं कहना है? नहीं, तो फिर देखिए आप क्या ही ना, आप कैसे कहते हैं चलते मीडिया की जहां तक बात है, मीडिया का सारा मामला आपको ये पहली बात पूरी मुसलमान का बनाइए, ये भारत एक जिस्म है, इस भारत के अंदर जितनी भी जातियां जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उसका हाथ पैर उंगलियां सर है। अगर किसी एक को तकलीफ हो तो पूरे भारत को तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन तकलीफ की बात ही कहां से आ गई शिराज साहब? ऐसा यहां के मुल्क में रह रहे किस मुसलमान को आकर किस एजेंसी ने यह कहा कि अब आपका रहना या आपकी नागरिकता ले ली जा रही है? अरे साहब, पहले किससे कह दिया? पहले आप मामले को समझिए। एनआरसी में जो पूरी तरीके से फेल हुई, 1600 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद सरकार को एक जुमला चाहिए, सरकार को एक मुद्दा चाहिए। आप पहले बात सुन लीजिए, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो भी आप कहें दिल पर हाथ रखकर ऑथेंटिक बात, आप किसी को उकसाने बहकाने और भड़काने वाली बात कर रहे हैं। सच्ची बात कह रहा हूँ, आपको सुनना होगा, दो मिनट सुन लीजिए, आप मुझे दो मिनट सुन लीजिए, आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। मुल्क जो है वो सबका मुल्क है, मैं वही तो कह रहा हूँ हम करीब नहीं आएंगे, एक दूसरे को नहीं समझेंगे, हम ये जो सरकार आया है, हम बात करेंगे। आप एक मिनट सुन लीजिए, बिलाल सरकार थी, लेकिन आप जब तक करीब नहीं आएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? रंगरेज साहब अदब के साथ दरख्वास्त है, तथ्यों को सुने, ऐसा है हमें करीब आना पड़ेगा, हिंदू बड़ा भाई है और मुसलमान ज्यादा। अनिल साहब ये सुन लीजिए, हमें करीब आना होगा, हमें भड़काने वालों को बेनकाब करना है, अनिल जी भड़काने वालों को बेनकाब करना है। सुनिए, और इसके वजीर आजम हो,
वजीर दाखिला हूँ। क्या गलत हुआ? ये मुल्क शहीदों का मुल्क है, ये मुल्क सबका मुल्क है। लाइब्रेरी में जाकर मैं आपको सब देखिए, भाईचारे की बात काम करिए। आप इनकी गलत कमी दूर करिए। सुनिए, आज आपको डबल ये बात क्यों नहीं सुनी? जब भाजपा की सरकार बनी, हमारे साथ पूरे देश के लोग हमारे साथ, बिल के साथ पूरे देश में जागरूक करने के लिए आपको आना पड़ेगा। लेकिन खैरुद्दीन साहब, खैरुद्दीन साहब, आप खैरुद्दीन साहब, खैरुद्दीन साहब, बिलाल जी, बिलाल जी, बिलाल जी, बिलाल जी, नहीं चलेगी। नारा भाईचारा बुलंद रहेगा, देश ताकत रहेगा, बिल्कुल शहीदों के सब लोग भारत बनाई भाई भाई। और मैं रंगरेसा साहब सुनिए, भारत के न हिंदू न मुसलमान, आप दिग्विजय सिंह को सुन रहे थे, वो कह रहे थे आपसे ऊपर उठ के, उन्होंने तो कह दिया कि भारत के नागरिकों पे खतरा है। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है, आप ये समझिए, आप ये समझिए अनिल जी, सिराज जी, इस तरह के किसी खतरे की कोई बात ही नहीं है। मेरा मेहरुद्दीन से सवाल है, एक बार सुन लेते हैं, यासिर जी को सुन लेते हैं। एक बार सीए को मेरी रिक्वेस्ट है, पढ़ो, मैं जिस लैंग्वेज में कहोगे मैं पूरा बिल दे दूंगा, उसमें आप पढ़िए, आपके ऊपर जिम्मेदारी, आप जहां रहते हैं मुसलमान आपको देखते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, आप उनके अंदर अगर डर फैलाएंगे, अरे अरे यार बेकार की बात ना करो, हाजी खान साहब समझा रहा हूँ, फिर आप मुसलमान, आप मुसलमानों को धोखा मत दो, मुसलमानों को धोखा मत दो, मुसलमानों को धोखा मत दो, वो सारे के सारे करते रहो, करते रहो, इसमें जेएनयू भी है, इसमें बीबीएस भी है, बीबीएस भी है, कहाँ है यूनिवर्सिटी, कहाँ है सर, मैं बात करना चाहता हूँ, यासिर भाई, यासिर भाई, यासिर भाई, मैं बात करना चाहता हूँ, जो है वो संविधान से चलेगा, ना कि हिटलरगिरी के, मोदी जी और संविधान से देश चल रहा है, काले भाई जो वो कर रहे हैं, वो किसी देश की आवाज नहीं सुन रहे, आप सब लोग मौत और व्यक्ति का अधिकार है, लोग रोडों पर है, संविधान से देश चलेगा, पूरे देश में चल रहा है, और यहाँ जरूरत पड़ी लोगों को, आप लोगों ने चल रही है, आप समझिए, धरना प्रदर्शन चल रहा है या चलाया जा रहा है? नहीं चल रहा है, हमारे देश की, हमारे देश की, आप सुनिए, हमारे देश की पूंजी और अमानत क्या है? अमन चैन भाईचारा, यही पूंजी है। तो अगर किसी के हाथ में आप खेलेंगे तो आप ये समझिए कि ये चिराग साहब आप अपनी बात की, जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप बात सारे आने का समय ले लीजिए, आप आपकी भाईचारा बनाए हुए हैं, आप हमारी आवाज सुन ले रहे हैं, सुन चलो यार, ऐसा ना करें आप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं इंडिया न्यूज देख रहे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये इनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुल्क में रह रहे हर नागरिक को अमन चैन देना सरकार ये सुनिश्चित करती है और सरकार सुनिश्चित करेगी। शिराज साहब अपनी बात देखिए, जनाब जनाब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी मुजाहरे हो रहे हैं, जहाँ भी प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे अमन के साथ हो रहे हैं। ये जो मामला चिटपुट हिंसाएं पेश आई हैं, इसमें आपने देखा होगा, वीडियोज भी आपके सामने आए हैं, वो जो उपद्रवी हैं वो कहीं भी वो प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं थे, बाकायदा बाकायदा बाकायदा। अरे पहले बात सुन लीजिए यार, मैं पहले बात ये कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट जो भी हो रहा है, अमन हो रहा है, अमन हो रहा है, भाई हाँ सुनिए, आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं यार, आप बोल किसकी तरफ से रहे हैं, पहले सुन लेने दीजिए, जमहूरियत पहले हमें कह लेने दीजिए भाई, कह लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है ये पूरे अमन के साथ हो रहा है, माहौल को खराब करने की कोशिश सरकार
और पुलिस कर रही है, ना कि आवाम कर रही है। और इसको हिंदू और मुस्लिम किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुसलमानों से मुसलमानों से देश का आईन बन चुका है, मुसलमानों मुसलमानों से ज्यादा सिख है। ये हिंदुस्तान का प्रोटेस्ट है, मुसलमानों का प्रोटेस्ट है। अभी मैं अपनी पूरा हिंदुस्तान बहस से आया पढ़ाऊंगा। 10-10 सेकंड सबको बोलना है, 10-10 सेकंड सबको बोलना है। मेहरुद्दीन साहब, ये बहस का आखिरी पड़ाव है, 10-10 सेकंड अपनी अपनी राय दे, फिर मुझे बहस खत्म करनी है। 10 सेकंड मेहरुद्दीन साहब, 10 सेकंड यानी 10-11। ठीक है जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो एक्ट है ये संविधान के कई आर्टिकल के ये खिलाफ है। हम इस एक्ट को चाहते हैं कि अमित शाह साहब और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें पूरे देश ने चुना, आज वो देश की लोगों की जिन्होंने उन्हें वोट दिया, आज उनकी बात सुनने को वो तैयार नहीं। इस बिल को तुरंत वापस ले, तुरंत वापस ले, तुरंत वापस ले। जिनको वो अपने आवाम के साथ जो वोट है उनके खिलाफ गलत नहीं कर सकते। अनिल जी देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अमन और प्यार से प्रदर्शन हो रहा था, बीच में कौन लोग आए उनको देखें और उन पर कार्रवाई की जाए। सीसीटीवी है, कानून अपना काम कर रहा है। आप जनता के लिए कहें, उन अल्पसंख्यकों के लिए कहें कि किसी के प्रदर्शन हो रहा था, बीच में कौन लोग आए उनको देखें और उन पर कार्रवाई की जाए। सीसीटीवी है, कानून अपना काम कर रहा है। आप जनता के लिए कहें, उन अल्पसंख्यकों के लिए कहें कि किसी के बहकावे में ना आए, तो मुझे लगता है ये भाईचारा। मैं अपील करना चाहूंगा पूरे मुल्क से कि भाईचारा कोई नहीं तोड़ सकता, राजनीतिक पार्टियां कोई नहीं तोड़ सकती, भाईचारा कायम रहेगा और जब तक हमारी सांस है हम भाईचारे का पैगाम देते हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रोटेस्ट में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, बल्कि देश के सारे लोग इसमें शरीक हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, ये कहते हैं हम। जी बिलाल साहब, मैं तो अदब के साथ इस चैनल के माध्यम से पूरे मुल्क से उम्मीद करूंगा कि हमें करीब आकर, पहले तो मैं मुस्लिम स्कॉलर से अपने साथियों से कहता हूं कि इसको करीब से समझें, सीए क्या है, एनआरसी क्या है और कुछ असामाजिक तत्व जो भारत की तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, तो उनसे बचें और अपने भाईचारा और इंसानियत को कामयाब करें। संदेश, सियासत का अपना ही फसाना होता है। लिखी है स्याही से वो हम तहरीर बदलेंगे, हम अपने मुल्क के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे, दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे लेकिन उनके चेहरों से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। आखिरी 10 सेकंड आपके हैं ताकि जो संदेह और गलत फहमी फैल रही है उसको कैसे रोका। देखिए भारत के मुसलमानों से मैं आपके सबसे ज्यादा शिराज साहब इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भारत के रहने वाले हैं, भारत की कोई राजनीतिक दल जो कपड़े लपेट के चेहरे पे उग्र आंदोलन करती है आप उनके बहकावे में नहीं आ रहा। भारत आपका मुल्क है, उससे मोहब्बत करें। सिराज साहब देखिए साहब, ये जो हो रहा है मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये गलत हो रहा है और चाहिए कि फौरन ही ये बिल वापस लिया जाए, देश को और भी ना तोड़ा जाए और हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों को ना बांटा जाए। जो लोग इसमें मतलब गलत कर रहे हैं, जिनके जरिए पुलिस वालों ने जो जामिया के अंदर किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा वक्त खत्म हो गया है, हम इतना ही कहना चाहेंगे, आपने यहां मौजूद तमाम मेहमानों की राय सुनी, उनके अपने विचार सुने, लेकिन कोशिश यह है, यजुर्वेद हो ऋग्वेद हो, वेद की ऋचाएं केवल यही कहती हैं, सर्वधर्म संभाव वसुदेव कुटुंबकम, सबका साथ और सबका विश्वास होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सपनों का विकास भी होगा, देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हां, खबरों के दिन भर के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे अपने सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के 7:55 पर।